हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम फिर से बनाने वाले हैं लड्डू गोपाल जी के लिए एक और नई ड्रेस। तो देखिए फ्रेंड, जिसके लिए मैंने दो कलर लिए हैं, देखिए ऑरेंज और ये हल्का ग्रीन, और 11 नंबर सिलाई ली है। और इसमें देखिए मैंने ड्रेस बनाने के लिए 18 फंदे डाले हैं। आज हम 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। तो ये हमारे 3 से 4 नंबर लड्डू गोपाल जी को आ जाएगी, 3 को 4 को 5 को भी आ जाएगी, वैसे 4 नंबर लड्डू गोपाल जी को अच्छे से आएगी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कैसी लगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 18 फंदे डाले हैं, आप अपनी पसंद की वूल ले लें, जो भी आपको पसंद हो। मैंने ये 3 प्लाई वाली वूल ली है, आप इस यहाँ पर नॉर्मल वूल भी ले सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम फंदे डाल लेंगे। फंदे देखिए मैंने यहाँ पे 18 लिए हैं, आप अपनी तरीके से फंदे डाल लें, जैसे भी आपको फंदे डालने आते हों। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से नेक के बॉर्डर के लिए 3 सिलाइयाँ बनाएंगे, उल्टी उल्टी दोनों तरफ की 3 सिलाइयाँ हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। बहुत ही आसान है बनाने में, जिनको नहीं आता है वो भी बहुत ही आराम से इसे बना सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे 1 सिलाई बना ली है उल्टी उल्टी, इसी तरीके से हम 2 सिलाइयाँ और बना लेंगे उल्टी उल्टी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 3 सिलाई बना ली है नेक के बॉर्डर के लिए। अब देखिए हम चोली के लिए फंदे बढ़ाएंगे, तो जाली बना करके हम चोली बनाएंगे। देखिए सबसे पहले पहला फंदा उतारेंगे, 1 फंदा और बनाएंगे। ये देखिए 2 फंदे बना लिए, वूल अपनी तरफ है। अब यहाँ पे देखिए 2 फंदों पे हम नेट बनाएंगे, 1 वूल को अपनी तरफ करेंगे, 2 अब अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदों को सीधा बनाएंगे, 1 2 उल्टा बनाएंगे, सॉरी 2 फंदे उल्टे बना लिए, वूल अपनी तरफ है, फिर 2 फंदों पर नेट डालेंगे, 1 2 वूल अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, नेक बनाएंगे, 1 2 अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर 2 फंदों पर नेट बनाएंगे, 1 2 अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा उल्टा, लास्ट वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए अब उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा ही बनाना है। ये देखिए बहुत ही आसान है बनाना, उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा ही बनाना है, सीधी तरफ से ही हम हर सिलाई में फंदे बढ़ाएंगे जाली बनाते हुए। इस तरह से चोली बनाना भी बहुत ही आसान है, एक बार वीडियो को पूरा देखिए आपको अच्छे से समझ आएगी। ये देखिए उल्टी सिलाई हमने उल्टी बना ली है, सीधी सिलाई पे आ गए हैं। ये देखिए अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, पहले हम 2 बनाए थे, अब 3 फंदे बनाएंगे। पहला फंदा उतार लेंगे और 2 फंदे हम और उल्टे बनाएंगे। ये देखिए अब देखिए यहाँ पर ये हमारी सीधा फंदा है, इसी पर हम नेट बनाएंगे, 1 वूल को अपनी तरफ करेंगे, 2 फिर हम 3 फंदे फिर उल्टे बनाएंगे, 4 फंदे बनाएंगे यहाँ पे हम उल्टे, 1 2 3 4 अब देखिए सीधे वाला फंदा, इस पर हम नेट डालेंगे, 1 वूल को अपनी तरफ करेंगे, 2 फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 अब फिर नेट बनाएंगे, 1 2 फिर 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 अब फिर नेट डालेंगे, 1 वूल को अपनी तरफ करेंगे, 2 अब लास्ट में देखिए फ्रेंड्स, 3 फंदे बचे हैं, 2 फंदे उल्टे बना लेंगे और लास्ट वाला फंदा सीधा। तो शुरू में हमारे 3 फंदे थे, लास्ट में हमारे 3 फंदे, बीच में हमने 2 नेट बना करके 4 4 फंदे उल्टे बनाए हैं। अब देखिए इसी तरीके से फिर से
बनाएंगे हम उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा ही बनाएंगे। तो चलिए उल्टी सिलाई बना लेती हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम तीसरी बार जाली डालेंगे तो पहला फंदा उतार लेंगे। अब की बार हम चार फंदे उल्टे बनाएंगे। शुरू में पहला फंदा उतार लिया, दो तीन चार। अब देखिए ये सीधा फंदा है, इसी पे हम नेट बनाएंगे। एक उल को अपनी तरफ करेंगे, दो। अब देखिए हम यहाँ पे बीच में एक दो तीन चार पाँच छः फंदे देखिए हमने उल्टे बनाए हैं। ये देखिए बीच में अब हम छः फंदे उल्टे बना रहे हैं और फिर से नेट डालेंगे। एक दो बुल को अपनी तरफ करेंगे, फिर से छः फंदे उल्टे बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः। यहाँ पे देखिए फिर से हम नेट डालेंगे। एक बुल को अपनी तरफ करेंगे, दो। फिर से छः फंदे उल्टे बना लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः। अब फिर से हम नेट डालेंगे। एक उल को अपनी तरफ, दो। फिर से हम लास्ट में चार फंदे उल्टे बना लेंगे जैसे कि शुरू में बनाए हैं। दो तीन, लास्ट वाला फंदा सीधा। ये देखिए तो शुरू में हमने चार फंदे इधर बनाए हैं और चार फंदे हमारे इधर हैं। बीच में हमने दो नेट डाली हैं और छः छः फंदे उल्टे बनाए हैं। अभी देखिए उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे। तो चलिए मैं उल्टी सिलाई बना लेती हूँ, सीधी सिलाई पे फिर से दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम फिर से फंदे बढ़ा रहे हैं। तो पहला फंदा उतार लेंगे। अब की बार हम पांच फंदे बनाएंगे यहाँ पे शुरू में। एक दो तीन चार पाँच। ये देखिए, और देखिए यहाँ पे इस पे हम फिर से नेट डालेंगे। एक उल को अपनी तरफ करेंगे, दो। अब देखिए यहाँ पे बीच में हम आठ फंदे उल्टे बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ये देखिए, अब फिर से हम दो नेट डालेंगे। एक उल को अपनी तरफ करेंगे, दो। फिर से आठ फंदे बना लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। फिर से दो नट डालेंगे। एक दो, फिर से आठ फंदे बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। फिर से दो नट डालेंगे। एक दो। अब लास्ट में फिर से हम पांच फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच। ये देखिए पूरी सिलाई अब हम देखिए उल्टी ही बनाएंगे, पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो चलिए हम बना लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम उल्टा उल्टा बनाएंगे पूरी सिलाई को। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे हमने उल्टी सिलाई बना ली है। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 50 फंदे हो गए हैं। अब देखिए कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, इसी सिलाई में हम बाजू में घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से घटाएंगे। पहला फंदा उतार लेंगे और यहाँ पे सात फंदे हम बनाएंगे। तो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात। ये देखिए सात फंदे हमने बना लिए कंधे के लिए। अब यहाँ पे 12 फंदे हम घटा देंगे बाजू के। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। ये देखिए 12 फंदे हमने यहाँ पे देखिए बाजू के कटा दिए। अब 12 फंदे हम बनाएंगे यहाँ पे पीठ के लिए। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह।
12 फंदे हमने देखे पीठ के लिए बना लिए, अब यहाँ पे 12 फंदे हम दूसरी बाजू के लिए घटा देंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। ये देखिए 12 फंदे हमने यहाँ पे दूसरी बाजू कटा दिए, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सात फंदे हमारे दूसरे कंधे के लिए बचे हैं। ये देखिए तो हमारी ये देखिए 12 बाजू भी घट गई है। देखिए तो ये देखिए कंधे के हमारे 7-7 फंदे हैं, बीच में पीठ के लिए हमारे 12 फंदे बचे हैं, 12-12 ही हमने बाजुओं के घटाए हैं। अब देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, बाजुओं को इस सिलाई में पूरा जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने देखिए पूरी सिलाई सीधी सीधी बनाई है। ये देखिए हमारी ये देखिए बाजू भी जॉइंट हो गई है। अब देखिए यहाँ पे हम बना लेंगे उल्टी उल्टी सिलाइयाँ। तो पहला फंदा उतारेंगे और यहाँ पे देखिए हम ये पूरी उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम ये 3 सिलाइयाँ बनाएंगे उल्टी उल्टी। तो चलिए मैं बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ बना करके। ये देखिए तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने ये 2 सिलाइयाँ बनाई हैं। ये देखिए एक सिलाई में हमने बाजू जॉइंट करी थी और यहाँ पे 2 सिलाइयाँ ये हमने उल्टी उल्टी बनाई हैं। बाजू जॉइंट करने के बाद देखिए 1 2 इस तरह की 2 लाइन बनेंगी। उल्टी सिलाई बना करके हम सीधी सिलाई पे आए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये चोली बनकर कंप्लीट है। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनी है और बहुत ही आसान तरीके से बनाई है। ये देखिए अब देखिए इसके लिए हम घेरा बनाएंगे। तो घेरा बनाने के लिए हम यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे। तो ये देखिए पहला फंदा हम उतार लेंगे और यहाँ पे देखिए जाली बनाते हुए ये हम फंदे बढ़ा देंगे। पहला फंदा उतारेंगे, सॉरी यहाँ पे हम अभी एक फंदा और उल्टा बनाएंगे। ये देखिए अब यहाँ पे तीसरे फंदे से हम जाली डालेंगे, एक अपनी तरफ करेंगे, हर फंदे से हम जाली बना देंगे जिसमें हम डोरी भी डाल सकते हैं। ये देखिए हर फंदे से इस तरीके से जाली बनाते हुए हम फंदे बढ़ा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम पूरी सिलाई में देखिए जाली बनाते हुए फंदे बढ़ा लिए हैं। लास्ट में 2 फंदे हम ऐसे ही बना लेंगे जैसे शुरू में बनाए हैं, एक फंदा उल्टा और लास्ट वाला फंदा सीधा। उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा ही बनाएंगे। ये देखिए तो चलिए हम बना लेते हैं पूरी सिलाई को उल्टा।
तो देखिए हमने उल्टी सिलाई बना ली है फंदे बनाने के बाद। अब देखिए पूरी सिलाई हम सीधी तरफ से सीधी सीधी बनाएंगे। ये देखिए उनको पीछे करेंगे, पहला फंदा उतारा, एक फंदा उल्टा, और पूरी सिलाई हम सीधी बनाएंगे। इसमें कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, पूरी सिलाई को हम इसी तरीके से सीधी सीधी बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं पूरी सिलाई को, और उल्टी सिलाई को भी पूरा उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो यहाँ पे दो सिलाई हम बना लेते हैं दोनों तरफ की। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दोनों तरफ की सिलाई बना ली है, एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी। अब देखिए फिर से हम पूरी सिलाई इधर से उल्टी उल्टी बनाएंगे। अभी हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, एक सिलाई पर हम फंदे बढ़ाएंगे। तो ये दो सिलाइयाँ हम दोनों तरफ की बना लेंगे, और जब हम सीधी सिलाई पर आएंगे तब हम फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए, तो चलिए ये सिलाई मैं उल्टी बना लेती हूँ, और उल्टी तरफ की उल्टी दो सिलाइयाँ हम बना लेते हैं, फिर हम सीधी सिलाई पे आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों तरफ की सिलाई बना ली है उल्टी उल्टी। अब देखिए फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे, पहला फंदा उतार लेंगे और एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। ये देखिए अब तीसरे फंदे से हम फंदा बढ़ाएंगे, बिल्कुल पीछे करेंगे, एक बार सीधा और इसी फंदे को एक बार पीछे से सीधा। एक ही फंदे को दो बार बनाएंगे, एक बार आगे से सीधा और एक बार पीछे से सीधा। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए फिर से इसी तरीके से एक दो। तो एक ही फंदे को हमें दो बार बनाना है पूरी सिलाई में। ये देखिए इस तरीके से पूरी सिलाई में फंदे बढ़ा लेंगे, और उल्टी सिलाई को भी उल्टी बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फंदे बढ़ा करके उल्टी सिलाई को बना लिया है। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, ना ही कोई फंदा बढ़ाएंगे, सिर्फ हम सीधी सीधी सिलाइयों से ही बनाएंगे, बिल्कुल पीछे करेंगे। अब इस तरीके से सीधी सीधी सिलाइयाँ हमें बनानी है, ये देखिए। तो चलिए इसी तरीके से मैं सीधी सीधी सिलाइयाँ बना लेती हूँ, थोड़ा लंबा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं। ये देखिए, तो चलिए मैं बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरीके से घेरा बना लिया है। ये देखिए, आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी रख सकते हैं। ये देखिए, तो इसमें देखिए ग्रीन कलर का हम नीचे का बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से भी आप इसे रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सिलाइयाँ बनाई हैं, चार सिलाइयाँ। ये देखिए मैंने सीधी सीधी बनाई हैं, एक तरफ की सिलाइयाँ मैं आपको बता रही हूँ। चार सिलाइयाँ मैंने ये सीधी सीधी बनाई हैं फंदे बढ़ाने के बाद की, और चार ही सिलाइयाँ ये मैंने उल्टी उल्टी बनाई हैं। देखिए एक दो तीन चार, और उल्टी तरफ से मैंने सारे फंदे बंद कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ से मैं इसमें बॉर्डर बनाऊंगी। ये देखिए ग्रीन कलर से मैं क्रोशिया से इसका बॉर्डर बनाऊंगी। आपको जिस तरीके का आता हो आप उस तरीके का भी इसमें बना सकते हैं। अगर आपको बॉर्डर नहीं बनाना है तो आप ऐसे भी इसे रख सकते हैं, ऐसे भी ये सुंदर लग रही है। लड्डू गोपाल जी हमारे इसमें भी सुंदर लगेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर बुल को निकाल करके नॉट लगा ली है। ये देखिए बहुत ही आसान है इसका, इस तरीके का बॉर्डर बनाना। जिनको क्रोशिया चलाना आता है वो बड़े आराम से इसे बना सकते हैं, जिनको नहीं आता है वो भी आराम से इसे बना सकते हैं। एक बार ट्राई करके देखें, ज़रूर बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से एक चैन में से इस तरीके से क्रोशिया निकालेंगे। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम एक बार लपेटते हुए क्रोशिया पर वूल को निकाल लेंगे, यानी कि डबल क्रोशिया से हम यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे। एक बार बनाया, ये देखिए दो बार बनाया, ये तीसरी बार,
ये चौथी बार, और ये पांचवी बार। ये देखिए पांच बार बना करके हम यहाँ पे देखिए चैन छोड़ेंगे, एक दो, दो चैन छोड़ के तीसरी चैन में हम यहाँ पे इस तरीके से सिंगल क्रोशिया से जॉइन कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए फिर से इसी में हम पांच बार बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। अगर आपको बॉर्डर नहीं बनाना है तो आप बिना बॉर्डर के भी इसे रख सकते हैं। तीन बार हो गया, ये चार बार, और ये पांच बार। पांच पांच बार ही हमें इस तरीके से क्रोशिया से बनाना है। और यहाँ पे एक दो, दो चैन छोड़कर तीसरी चैन में हम इस तरीके से जॉइंट करेंगे। ये देखिए, तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें सारे घेरे में बनाने हैं। तो चलिए हम बना लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका घेरा हमने बना लिया है। ये देखिए लेस, देखिए चारों तरफ हमने बना ली है। तो ये देखिए हमारी लेस यहाँ पे बनकर कंप्लीट है। अब देखिए इसमें हम इसके साथ की कैप इसी में बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर हम फंदे उठाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये आप देखिए यहाँ पे ये वाली जो फली हमारी जो हमने यहाँ पे नेट डाली थी वो वाली जो फली आ रही है वहीं से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। और यहाँ तक ये वाली फली यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक दोनों तरफ यहाँ से यहाँ तक हम फंदे उठाएंगे। तो चलिए देखिए हम उठा लेते हैं, जितने भी फंदे हमारे उठेंगे उतने फंदे हम यहाँ पर उठा लेंगे। देखिए जितने भी फंदे हमारे उठेंगे उतने फंदे हम यहाँ पे उठा लेंगे। तो एक बार पहले हम यहाँ पे इस तरीके से वूल को निकाल के नॉट लगा लेंगे। ये देखिए अब हम यहीं से फंदे उठाना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम फंदे उठा लेंगे, एक देखिए, दो, तीन, तीन, चार, इस तरीके से हम यहाँ से यहाँ तक फंदे उठा लेते हैं। ये देखिए दूसरी जाली जो इधर की यहाँ तक, तो दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा छोड़ के हमने फंदे उठाने हैं। तो चलिए मैं उठा लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फंदे उठा लिए हैं। तो ये हमारे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह फंदे उठे हैं। अब देखिए इधर से हम पूरी सिलाई ये देखिए उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम पहली सिलाई ये देखिए उल्टी उल्टी बनाएंगे। आप चाहें तो अलग से भी कैप बना सकते हैं। ये देखिए अब देखिए यहाँ पे मैं ये फंदे बढ़ाऊँगी इधर की सिलाई पर। तो पहला फंदा उतार लेंगे, वूल को अपनी तरफ करेंगे और दूसरे फंदे पे हम फंदा बढ़ाएंगे। यानी कि अब देखिए वूल को पीछे ही रहने देंगे, यहाँ पे एक बार सीधा बनाएंगे, फिर से सीधा। ये देखिए एक ही फंदे में से दो बार बनाया, वूल को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर पीछे करेंगे वूल को, एक बार सीधा और फिर पीछे से सीधा। यानी कि एक फंदा हमें उल्टा बनाना है और एक फंदे पे हमें सॉरी फंदे बढ़ाने हैं। ये देखिए इस तरीके से एक फंदे पे हम फंदा बढ़ा रहे हैं और एक फंदे पे हम उल्टा बना रहे हैं।
ये देखिए इस तरीके से हमने पूरी सिलाई में फंदे बढ़ा लिए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उल्टा उल्टा दोनों तरफ से हमें बनाना है। ये देखिए तो इस तरीके से हमें उल्टी उल्टी सिलाइयों से ही दोनों तरफ से बनाना है। ये देखिए तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा लंबा कर लेती हूँ, उसके बाद आपको सिलाइयाँ बताऊँगी कितनी सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं। तो पहला फंदा उतार के बुल को अपनी तरफ करेंगे ऐसे ही दोनों तरफ से। तो उल्टी उल्टी सिलाइयाँ मैं बना लेती हूँ, थोड़ा सा लंबा कर लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से थोड़ा लंबा कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाइयाँ बनाई हैं, एक दो तीन चार पाँच, ये हमारी पांच सिलाइयाँ हैं। अब देखिए आप चाहें तो यहाँ पे सारे फंदों को एक साथ बंद कर सकते हैं, उसके बाद हम इसकी सिलाई कर देंगे, और या फिर इस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए पहला फंदा उतारेंगे और यहाँ पर 10 फंदे बना लेते हैं। एक हो गया, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये देखिए 10 फंदे हमारे इधर हैं और 10 ही फंदे हमारे इधर होंगे। दो दो चार छः आठ, आठ दो चार छः आठ और दो 10, तो ये इधर हमारे 8 हैं, एक फंदा इधर कर लेंगे तो नौ नौ फंदे हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। ये देखिए अब देखिए दोनों सिलाइयों को एक साथ इस तरीके से करेंगे, ये हमारी इधर की उल्टी साइड है और उधर की सीधी साइड। ये देखिए अब यहाँ पे हम दूसरी सिलाई लेंगे और उससे हम यहाँ पे सारे फंदों को बंद करेंगे। ये देखिए दूसरी सिलाई से हम सात दो फंदे इसमें एक साथ बुनेंगे। इससे हमें सिलाई नहीं करनी पड़ेगी, सारे फंदे हम इसी तरह से बंद करेंगे। ये देखिए अब एक फंदा हम इसमें से बंद करेंगे और एक फंदा हम इसमें से बंद करेंगे। इसमें हमें सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारी कैप बनकर तैयार हो जाएगी। दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा हर बार घटाते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम घटा लेते हैं सारे फंदे और फिर आपको दिखाते हैं। हमने घटा दिए हैं और यहाँ पे नॉट लगा लिया है धागे को कट करके। तो इस वाले धागे को हम इस तरीके से क्रोशिया से या सिलाई से पीछे की तरफ निकाल देंगे, कट नहीं करेंगे। थोड़ा लंबा है, थोड़ा पीछे को करते हुए हम इसे कट करेंगे। ये देखिए तो यहाँ पर अब हम देखिए इसे कट कर देंगे, पास में कट करते हैं तो निकलने का डर रहता है। अब देखिए इस तरीके से हम इसे सीधा कर लेंगे तो देखिए बहुत ही सुंदर कैप बनी है। ये देखिए, ये देखिए, अब देखिए हमारी ड्रेस पूरी बनकर कंप्लीट है और आप अपने लड्डू गोपाल जी को बड़े आराम से इसे पहना सकते हैं। ये देखिए ये देखिए ये देखिए बहुत सुंदर लग रही है हमारी ड्रेस। ये देखिए बहुत सुंदर लग रही है, आप प्लीज़ एक बार बनाकर जरूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके लड्डू गोपाल जी को ड्रेस कैसी लग रही है पहनाने के बाद। तो ये देखिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।